तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेक बाबा में। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हम फंक्शन को पैरामीटर के साथ कैसे यूज़ करते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो हम लोग फंक्शन बनाने के लिए सिंपली फंक्शन, और यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम अभी ऐड करके मैं फंक्शन बना दे रहा हूँ। ओके, अब मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको वैल्यू दे देता हूँ 1 10। ओके, तो मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक को वैल्यू दिया 10, एक के अंदर वैल्यू स्टोर किया 20। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा वो लोग को। ओके, अब यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लूंगा। अब इसे रन करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया पता है क्या, एक्चुअली ये एरर क्यों आया, अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए। ओके, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए जिसके अंदर वैल्यू है 10 और 20। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये दो वेरिएबल्स को ऐड किया, बट ना ही मैंने इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं दिया और इसके यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिया, तो इसकी वजह से ये एरर आया। तो अगर मुझे दो नंबर्स ऐड करना है, अभी मैं पैरामीटर्स कैसे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं मेरा दो वेरिएबल्स ले लूंगा। अब इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा एडिशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पास किया पैरामीटर्स की नंबर 1 और यानी मेरा वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। तो अभी इसके अंदर वेरिएबल 1 के अंदर वैल्यू है 10, इसके अंदर है 20। तो यहाँ पे इसके अंदर 10 और 20 ऐड हुआ। ओके, और यहाँ पे मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे मुझे वैल्यू डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली अगर आपको प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं चाहिए, ओके, तो मेरे पास प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ से वैल्यूज पास कर सकता हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे 10, 20 इस तरह से वैल्यूज पास कर रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं इसे रन करके। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ फिर भी 30 आ रहा है, वैल्यूज चेंज कर देते 40। तो आप देख सकते हो 10 + 40 हो गया 50। तो इसी तरह से हम लोग पैरामीटर्स पास कर सकते हैं हम लोग फंक्शंस के अंदर। ओके, सो यही था हमारा फंक्शंस विद पैरामीटर्स इन PHP।